हाय, मैं नरेश बाबा टूल्स बाबा केवल से। आज हम चेक करने वाला है, ये नया टूल है आई रिपेयर P10। ओके, इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी सॉफ्टवेयर गाइडिंग कैसे करना, कैसे हम फोन्स को रीड राइट कर सकते हैं और वाईफाई एंड्रॉय अनटाई कर सकते हैं, वो सब आज चेक करेंगे। ओके, पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। ओके, फर्स्ट इसकी सॉफ्टवेयर अपने को डाउनलोड करना है, तो इसकी एक साइट है iRepairBox.com। फर्स्ट वहाँ पर जाएंगे हम, www.irepairbox.com। ओके, ये वेबसाइट खुल गई, हम इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम आई रिपेयर बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेंटर, ये प्रोडक्ट सेंटर में यहाँ पे अपने को दिख रहा है, देखो आई रिपेयर बॉक्स P10, इसको सिलेक्ट करो और डाउन जाओ। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर फॉर चाइनीज क्लाइंट है, ये चाइनीज लैंग्वेज में आएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये ट्यूटोरियल है, ये कस्टमर सर्विस है। ओके, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ये डाउनलोड हो रही है और मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। ओके, ये है इसका सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करो। ये है इसका बॉक्स और इसका कनेक्टिंग केबल। तो फर्स्ट हम इस बॉक्स को अपने नॉर्मल केबल से पीसी को कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे यूएसबी सीरियल डिटेक्ट हुआ। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे फर्मवेयर करके दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे फर्मवेयर करके दिया हुआ है। ओके, फर्मवेयर पे जाओ और अपडेट फर्मवेयर, अपडेट फर्मवेयर जो है ये इस बॉक्स की फर्मवेयर अपडेट करती है। उसके बाद अपडेट डाटाबेस। ओके, अपडेट डाटाबेस मतलब ये जो सेटअप है, इस सेटअप की जो बाकी के फाइल्स है डाटाबेस में मिल जाएंगे। उसके बाद CS30 ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन, ये ड्राइवर्स मस्ट है, ये ड्राइवर्स हुआ तो ही आपका बॉक्स कनेक्ट होगी। तो फर्स्ट आप CS30 ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपडेट बॉक्स फर्मवेयर, उसके बाद अपडेट डाटाबेस। फिर ये होने के बाद हम अभी फ़ोन को इस डिवाइस से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो ये केबल है इसकी, इसकी साथ आती है। ओके, एक केबल जो मैंने अपना नॉर्मल यूएसबी केबल मैंने पीसी से बॉक्स को कनेक्ट किया, उसके बाद ये जो केबल है इससे हम बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, बॉक्स के थ्रू फोन को कनेक्ट करेंगे। ओके, ये है आईफोन 6s प्लस, और कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो इस टूल से, आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है तो फोन मस्ट बी इन DFU मोड, आपको DFU मोड में रखना है। ओके, देखो मैंने कनेक्ट किया है इसको और यहाँ पे ऑटोमेटिक रीडिंग स्टार्ट हुई, और इसको हम DFU मोड पे लेंगे, लाइक DFU मोड। ओके, आफ्टर 5 सेकेंड्स रिमूव ऑन ऑफ बटन और होम बटन पकड़े रहना जब तक ये डिटेक्ट नहीं होता। देखो यहाँ पे DFU मॉडल सेलेक्ट हो गया। ओके, और जब ये DFU मॉडल सेलेक्ट हुआ, फोन को साइड में रखो और DFU मॉडल के ऊपर टिक करो, तो क्या करेगा ये DFU मॉडल से लेके फोन को पर्पल मोड पे लेके जाएगा। अभी रिकवरी में आया, देखो स्क्रीन पे देखो फोन अभी पर्पल मोड पे आ गया। देखो यहाँ पे पर्पल मोड दिख रहा है अभी, देखे अभी आप इसको फोन की हार्ड डिस्क रीड राइट कर सकते। देखो अभी मैंने मैक्सिमाइज किया हूं, यहाँ पे है क्वेरी इन्फो, इस हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएगी, क्वेरी इन्फो किया हूँ। देखो हार्ड डिस्क का जो भी सीरियल डेटा, सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है, ये है 16 GB की फाइल। ओके, आप यहाँ पे मैनुअली भी आप कुछ राइट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे मैनुअली कर सकते। देखो यहाँ पे राइट सिस कन्फिग फाइल, रिस्टोर डाटा, बैकअप सिस कन्फिग, क्लियर ऑल डाटा। अगर से आपका फोन एरर 9 या फिर कोई और एरर 4014 या एरर 40 आ रहा है, तो फर्स्ट आप करना चाहिए बैकअप सिस कन्फिग फाइल। ओके, मैंने बैकअप मारा हूँ अभी, अभी ये मेरे को सेविंग लोकेशन पूछ रहा है। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ इसको, बाबा नाम से सेव कर लिया और मैंने इसको इसके फोल्डर पे सेव कर लिया। ओके, ये अभी सेव हो गई, अभी मुझे एरर निकालना है। अगर इस हार्ड डिस्क को हमको एरर निकालना है, क्लियर ऑल डाटा, क्लियर ऑल डाटा क्या है, इसका हार्ड डिस्क को ये फॉर्मेट कर देगी।
क्लियर ऑल डाटा। ओके, इसका मतलब क्लियर ऑल डाटा। फिर से हम क्वेरी इनपुट करके देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे सब 00 हो गया, वाईफाई ब्लूटूथ एड्रेस जो भी है ये सब 00 हो गए। ओके, फिर से इसको हम डीएफयू मोड पे लेंगे फोन को। देखो फिर से यहाँ पे डीएफयू मॉडल कनेक्ट हो गया। फिर से हम इसको पर्पल मोड पे लेंगे, यहाँ पे टिक कर देगी ये ऑटोमेटिक, इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसको पर्पल मोड पे लाएगा। देखो फिर से पर्पल मोड पे आ गया स्क्रीन। अभी हम इसको जो बैकअप किए थे उस फाइल को सेव करना, मतलब इस पे रिस्टोर करना, तो यहाँ पे रिस्टोर डाटा करके है, इसको हम टिक करेंगे और टिक कर देगी अपने को। यहाँ पे देखो सेविंग सेव्ड लोकेशन ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने सेव किया था फाइल बाबा के नाम से, बाबा के नाम से उसको डबल क्लिक किया, ये राइट होने लग गई। ओके, आफ्टर राइटिंग क्वेरी इन्फो, देखो जो पुराना था वो सब डाटा यहाँ पे आ गया। अगर से आप हार्ड डिस्क चेंज किए या फिर वाईफाई चिप चेंज किए तो आपको वाईफाई चिप को अनलॉक करना पड़ता, तो यहाँ पे अनलॉक वाईफाई करके एक ऑप्शन है अनटाई वाईफाई, और यहाँ पे देखो वाईफाई अनटाई सक्सेसफुल। ओके, ये है इसका कनेक्शन मेथड। और इसके बाद आप इसको एग्जिट रिकवरी मार के ओके फिर से रिकवरी मोड पे लेके आप आईट्यून से या 3 टूल से रिस्टोर कर देंगे, आपका एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा।